देवन के देव हैं, गुरु से बड़ाने को गुरु की कृपा कटाच से बुद्धि भ्रम नहीं हो, गुरु की कृपा कटाच से बुद्धि भ्रम विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूप हैं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा कुछ निवेदन करें। यहाँ प्रति संडे को सभी आप भाई बहन सत्संग का लाभ लेते हैं। अभी बड़ी अच्छी ज्ञान की मार्मिक चर्चा चल रही थी। वास्तव में सभी शास्त्रों में हम समझ नहीं पाते हैं और ये समझ आती है गुरुजी के माध्यम से, जो कोई पहुंचे हुए संत गुरु। ऐसा कहा है, गलत कहीं कुछ नहीं है। ऐसा कहा है कि वेद उदित बिन गुरु लखे लागत लवड़ समान, बादल गुरमुख द्वार है अमृत ते अधिकार। हमारे वेद शास्त्र ऐसे समझो एक सागर के समान, लेकिन सागर में से अगर कोई सीधा सीधा पानी पीना चाहे तो नहीं चलेगा। अगर सीधा सीधा खेती में दिया जाए तो उसे जमीन खराब हो जाएगी, क्योंकि नवकी ने वो पेड़ पौधा भी नहीं आऊंगा, पशु पक्षी मर जाएंगे सब अगर सीधा सीधा पिए। शरीर पर अगर डालो तो ऐसा शरीर चिकना चिकना हो जाता है बिल्कुल नवकी। लेकिन वही बादल, वही पानी जब बादलों के माध्यम से आता है तो मीठा हो जाता है, प्राणियों का प्राण बन जाता है, छन जाता है। जो पानी में कुछ दोष था वो छन गया सब, बादलों ने छान दिया उसको और बढ़िया शुद्ध निर्मल बना करके मीठा बना करके और भूमि पर बरसा तो सारी भूमि हरी भरी हो गई, प्राणियों का प्राण बन गया। पानी तो वही था लेकिन सीधा सीधा अगर उसको हम पीते तो मामला गड़बड़ होता, जीवन नहीं चलेगा सीधा सीधा। बंबई में 300 किलोमीटर दूरी से पानी जाता है जबकि बंबई समुद्र के किनारे पर बसा है। सोमनाथ जी पर हमने देखा तो पीने का पानी सोमनाथ जी समुद्र में ही है लेकिन पीने का पानी बाहर से आता है। द्वारका में पानी पीने का बाहर से आता है और जबकि वो समुद्र में बसे है। इसी तरीका से हमारे वेद और शास्त्र हैं। वेद शास्त्रों की वाणी को हम किसी सुलझे हुए महापुरुष से अगर समझें तो वो ठीक हमारी समझ में आ सकते हैं। और अगर कोई वैसे कहे के चलो गीता से कल्याण कर लो, रामायण से कल्याण कर लो या बीजक से कल्याण कर लो तो कल्याण तो बहुत पीछे की बात है, तुम समझी नहीं पाओगे। फिर तो बाबा तुलसीदास जी ने भी ये कहा है कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाई,
छूटे ने हदे कयू रजाई। शास्त्रों में बड़े बड़े उपाय बताए हैं, लेकिन व्यक्ति जितना जितना उसमें जाता है और वो उतना ही उतना उलझता हुआ चला जाता है, क्योंकि शास्त्रों में शास्त्र को एक व्यक्ति के नहीं है, अनेकानेक व्यक्तियों के ऋषियों की रचना है। तो किसी ऋषि ने कहीं कुछ कहा है, तो किसी ऋषि ने कहीं कुछ कहा है, और क्यों कहा है, कैसे कहा है, इसका तो कोई भेद वो सदगुरु समझता है जो वहां पहुंच गया है। वो बताएगा कि इस ऋषि ने यहाँ पर इस तरीका से कहा है और इस ऋषि ने यहाँ पर इस तरीका से कहा है। तो सज्जनों, वेद शास्त्रों की वाणी बहुत बड़ी उलझन है। उस समय हम किसी जीते जागृत महापुरुष के सानिध्य में अगर समझने का प्रयास करें तो हम उसको समझ करके उससे हम पार जा सकते हैं। अन्यथा कबीर साहब जी ने कहा है, झगड़ो एक बड़ो राजा राम, जो निर्वाण है सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन्हें उपजाया, ईमन बड़ा के जी मन माना, और राम बड़ा के राम ही जाना। फिर कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा के तीरथ का दास। कितनी बढ़िया बात आई है, ई मन बड़ा के जय मन माना। अरे ये मन बड़ा है कि इस मन को मानने वाला बड़ा है। वेद बड़ा है कि वेद को बनाने वाला बड़ा है। मंदिर बड़ा है कि पुजारी बड़ा है। सज्जनों, इस तरीका से हम इस पर गहराई से थोड़ा विचार करें। समझदार अच्छे साधकों के लिए तीन सूत्र हैं योग में। प्रथम यत योगानुशासनम, ये पहला सूत्र है योग का। अब मैं उस योग को प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं जिसके अनुशासन में रह करके क्या होता है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधाय, चित्त की वृत्तियां निर्मल हो जाती है। कितना बढ़िया कहा यार, फिर चित्त की वृत्तियां निर्मल हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थितानं, फिर दृष्टा अपने स्वरूप में ही शांत। दृष्टा कौन है, ये आंख दृष्टा नहीं है, दृष्टा उसको कहते हैं जो देखता है। अब कोई कहेगा हम तो ये आंख हिंदी देख रहे हैं, नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि आंखों से भी हम नहीं देख पाते, लेकिन जिसके माध्यम से आंख देख रही है, आंख कौन के माध्यम से देख रही है, मन के माध्यम से, लेकिन मन किनके माध्यम से है, वो दृष्टा है, चेतन है, जो जिसकी सत्ता से आंख देख रही है, जिसकी सत्ता से हमारे कान सुन रहे हैं, जिसकी सत्ता से जिभ्या रस ले रही है, जिसकी सत्ता से नास का गंदी सुगंधी का ज्ञान बताती है, जिसकी सत्ता से शीत उष्ण कोमलता का ज्ञान होता है, उसको कहते हैं दृष्टा चेतन। सबका दृष्टा साक्षी ये दृश्य स्वरूप नहीं है, क्यों भ्रमत फिरे बहु रंग में ये तेरा रंग। दृष्टा स्वरूप दृष्टा, तो अब दृष्टा कहाँ है, अब नहीं है क्या, हाँ है, तो अब कहाँ है। चौथे सूत्र में सूत्रकार कहते हैं व्रत सारूप मित्र, अब दृष्टा व्रतियों के बीच में है। कैसे, जैसे घने बादलों के बीच में कभी सूर्य और चंद्रमा छुप जाते हैं, इसी तरीका से हमारे जो मन मन की जो वृत्तियां हैं वो उसी तरीका से घेरे हुई हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा को बादल घेरे लेते हैं। बड़ा एक सटीक उदाहरण है, एक बच्चा होगा 7-6-7 साल का, उसकी चुटिया खड़ी सर पर, शाम को माँ भोजन बनाए रही और वो बाकी चुटिया वाय सीरक में देख रही, बाकी छाया में, और बच्चा उस चुटिया को पकड़ने के लिए लालायित हो रहा था कि जी सामने जो दिख रहा है
और ये चुटिया बड़ी तो वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर अब वो छाया की चुटी, वो बहुत प्रयास करता है, कभी कभी तो बैठ करके उसको पकड़ने का प्रयास करता है, पर वहां हाथ नहीं पहुंचता, एकदम परेशान हो जाता है, उसके चित्त में खिजावट पैदा हो जाती है, रोने लगता है, पैर घिसने लगता है, और माँ भी हंस रही है कि कैसा पागल है, अपने ही सिर की चोटी की छाया को पकड़ना चाहता है, कैसे पकड़ में आएगी। तो वो माँ समझदार होगी, वो खड़ी होकर के आई और उसने उसका हाथ पकड़ करके वो ऐसे रख दिया सिर। अब चुटिया उसने पकड़ ली, अब वो छाया में देख रहा है, बड़ा खुश हो रहा है कि अब तो आएगी पकड़ में, अब कहाँ जाए। ये दृष्टा, हम सभी छाया के पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ते 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 थक जाते हैं और शरीर पूरा हो जाता है और वो पकड़ में आता नहीं है, क्योंकि वो छाया तो तुम्हारी है, तुम लौट करके आ जाइए अपने आप। मिटे ध्यास से तेरा सुनिज रूप, मैंने कहा था व्रत सारूप मित्रत्र, अब दृष्टा व्रतियों के साथ में है, अगर दृष्टा अपने आप में आ जाए, हम बैठे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट और समझ लो कि जब दुनिया की कोई चीज हमारे पास नहीं हो, तब समझ लो कि हम अब अपने परमात्मा के पास में हैं, और जब तक कोई भी चीज है दुनिया की, तब तक तुम परमात्मा के पास में नहीं हो। तुमने अगर किसी चित्र की स्थापना बना ली अपने भीतर में, किसी काठ की, पत्थर की, पीतल की, लोहे की किसी प्रतिमा को आपने अपना इष्टमान करके उसकी प्रतिमा लगा ली अपने हृदय में, चाहे फिर वो प्रतिमा गुरु की क्यों नहीं हो, पर जब तक तुम किसी चीज को पकड़े रहोगे, तब तक तुम अपने से दूर रहोगे। कुछ क्षण ऐसा आ जाए कि हमारे पास में कुछ नहीं बचे, हमारे संकल्प और विकल्प बिल्कुल शांत हो जाए, अब कुछ नहीं है, जैसे एक सागर ठहरा हुआ है, अब न कोई हवा है न कोई तरंगे हैं, बिल्कुल सागर शांत हो गया। ऐसे ही जब हम अपनी स्थिति में, शांत स्थिति में पहुंच गए, तो समझ लो कि हमारा काम पूरा हो गया। बस बोलिए श्री सतगुरु जी।